राहुल गांधी जी जो बाहर विदेश में गए हैं, ये एकदम इतने सारे 35 साल बाद जहां कत्लेआम किए हैं, दरबार साहब पे हमले इनके खानदान ने किए हैं, ये बाहर जाके इनको गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स कहां से याद आ गई? अभी तो हम इसी के बारे में सोच रहे थे कि हकीकत सामने आ गई कि कल यूके में जाके राहुल गांधी जी कहते कि कांग्रेस का 84 के कत्लेआम के साथ कोई हाथ ही नहीं था। इनके ये बयान देते साथ सार ही कुछ ही घंटों के बाद इधर युवा सिटी में मनजीत सिंह जी के हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसे जानलेवा हमला होता है। वो जसबीर सिंह लोबाना और गगनदीप सिंह लोबाना, ये दो आदमी जो सिक्स फॉर जस्टिस के साथ मिलके, इनका पिछोकड़ा जो आप देखें आपको सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी का कनेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये जसबीर सिंह और उनके लड़के गगनदीप सिंह जिन्होंने ये हमले मनजीत सिंह के ऊपर किए हैं, ये वही हैं जिन्होंने 84 में जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो चश्मदीर गवाह दर्शन कौर थी, उस गवाह को खरीदने की, धमकाने की, डराने की कोशिश में इन्होंने 3 साल जसबीर सिंह लोबाना ने जेल काटी, 3 महीने इन्होंने जेल काटी, और यहाँ से छुट के ये बाहर भाग के गए हैं। और श्रोमणी अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और SGPC जो 35 सालों से सिखों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ती रही है इस कांग्रेस के खिलाफ, जिसने सबूत मिटाने में कोई एक इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये क्लियर नेक्सस की ISI के साथ स्पॉन्सरशिप जो चल रही है सिक्स फॉर जस्टिस की, और ये जगदीश टाइटलर के जो इनके वहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ही दर्शन कौर को धमकाने, डराने और खरीदने के इल्ज़ाम में 3 महीने इन्होंने जेल काटी है, तो जगदीश टाइटलर के दलाल। और कल जब राहुल गांधी कहते हैं हमारा कुछ लेना देना नहीं है 84 के कत्लेआम से, और ये जानलेवा हमला हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर किया जाता है, तो सीधा सीधा ये क्लियर नेक्सस है टाइटलर और कांग्रेस का, और राहुल गांधी के परिवार का तो सब जानते हैं, लेकिन सिक्स फॉर जस्टिस का, जिसका हम पाकिस्तान और ISI के साथ सब जानते हैं, अब उनका ये कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ क्या, ये नई हकीकत आप लोग सबके